अयोध्या नगर स्थित नवघरे महाराज आश्रम में ब्रह्मलीन गुरुवर्या हरिभक्त पारायण पांडुरंग बाबा नवघरे महाराज इनके प्रथम पुण्य स्मरणोत्सव के उपलक्ष्य में हरिपाठ काकड़ा आरती भजन कीर्तन का आयोजन किया गया था। ब्रह्मलीन गुरुवर्या हरिभक्त पारायण पांडुरंग बाबा नवघरे महाराज प्रथम पुण्य स्मरणोत्सव के उपलक्ष्य में भजन कीर्तन हरिपाठ काकड़ा आरती प्रवचन का आयोजन किया गया था। सुबह 6 से 7 बजे के दौरान काकड़ा आरती व घट स्थापना की गई। सुबह 10 बजे से 11 बजे के दौरान ज्ञानेश्वरी पारायण किया गया तो दोपहर के 3 बजे से 5 बजे तक भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। शाम को 5 से 6 बजे के दरमियान हरिपाठ किया गया। शाम 7 से 8 बजे हरिभक्त पारायण विवेकानंद नवघरे महाराज की वाणी से प्रवचन भक्तगणों ने सुना, जिसके बाद शुक्रवार की सुबह गोपाल कला व कीर्तन का आयोजन किया गया था। देव पायावर पाय ठेवून असे बसले, देवाचे चरण अतिशय कोमल, अशा कोमल चालू चालू त्यावेळी देवाच्या चरणाचा अगदी त्या ठिकाणी लाल लाल असा रंग आलेला होता। या पारद्याला असं वाटलं की समोर हरण काहीतरी दिसते आपला, म्हणून पारद्याने बाण सोडला। जसा बाण सोडत नाही देवाच्या पायाला, चरणी लागला मृगशंका, चरणी लागताची घावो, थोर सुखे सुखावला देव, कृत कार्य झाली निसंदेव, निजधामा पाव जावया। श्री कृष्ण सरसा वदा गोपाल कृष्ण भगवान बलरामदारा त्या ठिकाणी समृद्धी राबल, स्वतःला पुन्हा आपल्या लोकाला त्या ठिकाणी निघून गेले। कृष्ण परमात्मा हे त्या ठिकाणी दारुकाला सांगितलं, अरे म्हणे बाबा इथपर्यंत आलो। गोदावरी नर्मदा कावेरी शरयू महेंद्र तया चर्मणवती वेदिका क्षिप्रावेद्रवती मासुरनदी ख्याताचया गंडकी पूर्णा भूतजले समुद्र सहिता बीसीएन न्यूज के लिए क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।